हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मयी। सो आज है मंडे, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच रूटीन। सिंपल सा ही बनाऊँगी, तो वो वाला मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ओट्स का खिचड़ी। इसलिए देखिए, मैंने ऑनियन टमाटर को चॉप करके रख दिया है, यहाँ पे कैप्सिकम कैरेट को चॉप करके रखा है, ग्रीन पीस है, थोड़ी दो ग्रीन चिलीज है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है ओट्स और बटर। सो ये खिचड़ी मैं बटर से बनाऊँगी। तो सिंपल सा आप प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया था, और देखिए हस्बैंड बहुत सारे सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो भीग के आए थे बारिश में, तो सारे वेजिटेबल को मैंने ऐसे नीचे डाल के रखा है, थोड़ी देर फैन की हवा में सूखने के बाद मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और यहाँ पर मैंने लंच के लिए सारे चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रखा है, तो यहाँ पे मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ नॉर्मल सा सिंपल सा राइस एंड दाल, और दाल में आज मिक्स करूँगी टमाटर के साथ जो ड्रमस्टिक का लीव्स आता है वो वाला मैं ऐड करूँगी, तो वो बहुत टेस्टी लगता है दाल में ऐड करने से। और यहाँ दो कढ़ाई बिठा दिया है, तो लेफ्ट साइड में जो नॉनस्टिक में बना रही हूँ दही बैंगन, और यहाँ पे दूसरी साइड में बना रही हूँ जो तुरई की सब्जी। तो बस मैं फटाफट मैंने सारे जो ऑनियन टमाटर मैंने चॉप करके रख दिया था, सारे जो वेजिटेबल्स है कट करके रख दिया था, और यहाँ पे मैं जो दही बैंगन के लिए बना रही हूँ वो थोड़ी सी ऑयल ले लिया है, उसके बाद मैंने सौंफ ऐड कर दिया, उसके बाद जो मैंने चॉप करके रखा था ऑनियन डाल दिया, फिर बैंगन डाल, स्लो फ्लेम में पकाऊंगी। दही बैंगन को ऐसे, अगर आप दही बैंगन बना रही है तो आप बैंगन को पूरा एकदम डीप फ्राई करके भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कम ऑयल से ही बना रही हूँ, मुझे डीप फ्राई इतना पसंद नहीं होता है, मैं थोड़ी हेल्दी वे में बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए घर में ही कर्ड बनाती हूँ, बहुत थिक बनता है, देखिए बहुत ही अच्छी बनता है। और यहाँ पे मैं दही को फेंट के रख दूँगी, फिर जब तक बैंगन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए फिर मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। और आज थोड़ी सी मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं सूट तो की थी, लेकिन आज एडिटिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, और हेल्थ भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो कल इसीलिए मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो के आज मैंने ब्लॉग बना के अपलोड करूँगी। और ये जो तुरई का सब्जी है, नॉर्मल सा सिंपल सा आप थोड़ी सी जीरा ऑयल में जीरा को भूनने के बाद आप ऑनियन टमाटर डायरेक्ट डाल दीजिए, थोड़ी देर भूनने के बाद तुरई डाल दीजिए, बस थोड़ी देर, ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, कम समय में बन के रेडी हो जाता है, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए जो तुरई जो होता है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट होने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाला है, और करी लीव्स मैंने थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर के लिए डाला है, बस ये बन के जल्दी फटाफट रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने साइड बाय साइड दाल भी बना लिया था, अब मैं दूसरा कटोरे में ट्रांसफर कर दूंगी, फिर मैं वही प्रेशर कुकर में मेरी बेटी के लिए कभी खिचड़ी बनाऊंगी। और ये देखिए ये सब्जी बन के रेडी भी हो गया है, और साइड बाय साइड में थोड़ी सी सलाद के लिए मैं प्रिपेयर कर दूंगी, यहाँ पे काट के रख दूंगी। और हमारे घर में नॉन वेज हो या वेज बनता है, जो भी बनता है, बट सलाद मस्ट रहता है, लंच या डिनर में हम लोग सलाद जरूर लेते हैं, और लेना भी चाहिए, सलाद बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुकुम्बर एंड थोड़ी सी कैरेट एंड थोड़ी सी कैप्सिकम एंड टमाटर। तो ये देखिए हमारा सलाद भी रेडी हो चुका है, बस खाने के टाइम बस मैं ऑनियन काट के ऐड करूँगी एंड थोड़ी सी लेमन उसके ऊपर ऐड करूँगी, बस हमारा सलाद बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइड बाई साइड मेरा बैंगन भी पक चुका था, तो यहाँ पे मैंने दही के साथ मिक्स करके थोड़ी देर रख दूँगी रेस्ट के लिए, तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा बाद में। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, और ये जो तुरई की सब्जी है वो भी बन के रेडी हो गया था, तो मैं दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो हमारा ऑलमोस्ट खाना बन के रेडी हो गया था, बस मैं अभी बनाऊँगी रोटी, और राइस तो मेरा साइड बाय साइड बन रहा है अभी गर्मा गर्म। तो लास्ट में मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और साइड में मेरा मेरी छोटी बेटी के लिए खिचड़ी बन रहा है। तो
चलिए गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।